Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पढ़ापो जंक्शन। एंड गाइज लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज जो कि क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया। एंड आज मैं आपको पार्ट 2 कराने वाली हूँ। मैंने जो चैप्टर 1 है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटा है ताकि इन शॉर्ट वीडियोस को देख के आपको रिटेंशन में भी हेल्पफुल हो। सो सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसको मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि कल हमने क्या किया था, एंड देन फिर आज हम पार्ट 2 पे चलेंगे। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटीज देखा था कि फलाना कोई भी बंदा अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज करता है उसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर 1 इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर एक शब्द में समझाया है, तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर करना, बट मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू एक रिविजन के वे में इस वीडियो में बता रही हूँ। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म विद द मोटिव टू अर्न मनी और प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो आउट ऑफ लव अफेक्शन से हम करते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसको हम 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 इज बिजनेस, 2nd इज प्रोफेशन एंड 3rd इज एम्प्लॉयमेंट। इसको मैंने अच्छे से लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो कल हमने यही डिटेल में कवर किया था। एंड आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आज हम पढ़ेंगे डिटेल्स, मतलब प्रॉपरली डिटेल्ड बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे ना मीनिंग्स दिया हुआ है। जस्ट गिव अ मोमेंट, लेट मी एडजस्ट इट। सबसे पहले सिंपल मीनिंग। गाइस जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने बिजनेस को पढ़ा था। बिजनेस का मतलब था एनी ऑक्यूपेशन विच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। ये 3 मेजर चीज देखी थी, ऑक्यूपेशन यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने वीडियो में दिख रहा होगा सिंपल मीनिंग करके मैंने लिखा है, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने पढ़ा था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ओल्ड साइकिल सेल कर देते हो और नई परचेज कर लेते हो, दैट्स नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। आपको बिजनेस में नहीं बोल सकते, ये हम नहीं बोल सकते कि आपका बिजनेस है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, जस्ट आपने सेल किया, परचेज किया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। इसके बाद लिखा है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे होता है बिजनेस? प्रोडक्शन करके सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका टफ मीनिंग ब्रॉडर सेंस में, ये जो हमने पढ़ा था शॉर्ट सेंस में एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज था, बट अब मैं आपको यू नो रियल सेंस में जो मतलब डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्टली सूट करती है बिजनेस को, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इन द ब्रॉडर सेंस मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ब्रॉडर सेंस में हम बिजनेस का मीनिंग समझेंगे, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर। ये कह रहे हैं कि अगर ब्रॉडर सेंस की बात करो ना, तो बिजनेस का मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कहाँ से शुरू होती है, जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ एंड उस जो सामान बनने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब बिजनेस के अंदर क्लासिफाई होती है। अब आप समझे ब्रॉडर सेंस में सब कुछ कवर हो जाएगा। आप रॉ मटेरियल लेके आए, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन वाले को बुलाया, फिर वो फैक्ट्री आउटलेट से अपना जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं उस स्टोर पे आउटलेट पे आया, वहाँ पे कस्टमर्स ने बोला कि मुझे होम डिलीवरी चाहिए, उसके घर तक पहुँचाने तक, मतलब डिड यू गेट इट, कि जहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ और जो उसे एक्चुअली कंज्यूम करने वाला है, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सब का सम टोटल एक बिजनेस के अंदर आता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये हो गया हमारा मीनिंग। अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो आप उस पे दो चार लाइंस मीनिंग लिखोगे। जो हमने मैं आपको प्रेफर करूंगी जो मैंने सबसे पहले लिखा है ब्रॉडर सेंस में, यानी कि ये वाला जो मीनिंग मैंने सबसे ऊपर ये वाला जो मीनिंग लिखा है आप इसको याद रखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसके बाद रिमेम्बर रखिए। एंड देखो जब भी आपसे कुछ भी मीनिंग पूछ रहे हैं ना, तो कोशिश करो अगर बुक्स में उसकी डेफिनेशन प्रेस्क्राइब है तो रिमेम्बर, ट्राई टू रिमेम्बर वन डेफिनेशन जो सबसे आपको इजी लगे, जिस भी ऑथर की या जिस भी राइटर की, आप उस डेफिनेशन को याद कर लो। जो मेजर टॉपिक जैसे बिजनेस है, तो मुझे ये डेफिनेशन आपके हिसाब से इजी लगी तो इसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है लिखना डेफिनेशन, बट क्या होगा इससे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा जो चेक आपका एग्जाम करेगा, यू नो आपकी कॉपी जो चेक करेगा उस पर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा कि भाई इसने इसके लिए डेफिनेशन भी लिखी है एंड इसने उस जिसने भी उसको डेफिनेशन दिया है उसका नाम भी रिमेम्बर रखा है ना। सो अकॉर्डिंग टू L.H. हैनी, देखो ये आपकी चॉइस है बट आपको मार्क्स अगर अच्छे गेन करने हैं प्रेजेंटेशन के लिए, सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ ताकि सच में 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। आई गॉट 97, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। According to L.H. Haney, business may be defined as human activity, हमने पढ़ा ही था, directed towards producing or acquiring what wealth through buying or selling goods। कैसे क्या बोला इसने कि जो बिजनेस है ना उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले कि ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन करता है, और इससे क्या हम करेंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूस करके सामान, या फिर बाय सेल करके, यानी कि या तो मैन्युफैक्चर या ट्रेड करके हम क्या करना चाहते हैं एक्वायरिंग वेल्थ, यानी कि वही प्रॉफिट कमाना। थोड़ा सा टफ वर्ड यूज कर दिया कि एक्वायरिंग वेल्थ इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मोटिव और टू अर्न प्रॉफिट। अदर देन इस डेफिनेशन में कुछ नहीं है, तो यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर दिस डेफिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि बिजनेस क्या होता है, जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी है ना उसी के बेसिस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे कि जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है। देखो सबसे पहला फीचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको अभी जस्ट फिर से बताया था स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड टू अर्न मनी। और बिजनेस उसका एक क्लासिफिकेशन है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं, 1 इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने देखो आपके लिए नोट्स में ना ये सब लिखा है ताकि आप इन सब चीजों को पढ़ो। ये सब मैंने इसलिए लिखा है, मैं इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकती थी, मैंने इवन शॉर्ट ही लिखा है, बट दिस इज मच सफिशियंट फॉर योर एग्जाम्स। आप एग्जाम के लिए नोट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज मच सफिशियंट। मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, यू नो जो बहुत ज्यादा होता है उसमें से वो क्रक्स निकाल के मैंने यहाँ पे जो बिल्कुल वैलिड लाइंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है। सो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग आप डिफाइन कर देना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, ये मैंने आपको पहले बताया था। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड बिजनेस। ये तो श्योर है कि बिजनेस इज आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये तो आपको फर्स्ट कंडीशन देखनी पड़ेगी कि उसका मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर उसका मोटिव पैसा कमाना है दैट मींस ये बिजनेस है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सेल होना बहुत जरूरी है, सेल होना बहुत जरूरी है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो आपके पड़ोस में राशन की दुकान है, ठीक है, अब जो वो बंदा बैठता है राशन की दुकान पे, जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए सामान लेके आ रहा है, वो उसको सेल तो नहीं कर रहा, वो जो भी पर्सनल यूज के लिए सामान लेके आता है वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, है ना। बट जो सामान वो लाके बेचता है, जो कंज्यूमर्स के लिए लाके उसको दुकान में रखा है, उसको सेल करता है, दैट इज हिज बिजनेस। बट वो जो पर्सनल यूज के लिए ला रहा है दैट इज नॉट अ बिजनेस। इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरा केक बनाने का बिजनेस है, ओके, तो जो मैं शॉप पे सेल्स करती हूँ दैट इज माई बिजनेस। अब मैंने क्या किया, मेरे जैसे सिस्टर का बर्थडे था, मैंने केक बनाया एंड जब उसका बर्थडे था हमने घर पे उस केक को कट किया, सेल तो कहीं पे हुई नहीं, मैं वही केक मेकर हूँ, मेरा बिजनेस भी है, बट वो जो पर्टिकुलर केक सेल नहीं हुआ तो दैट इज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि एक्सचेंज यानी कि सेल होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज रेगुलरिटी इन डीलिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी हमने एक एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी पुरानी साइकिल या स्कूटर आपके पास है, आपने उसको सेल कर दिया और जो पैसे आया उसमें थोड़े और मिला के आपने कुछ परचेज भी कर लिया, यानी सेल परचेज दोनों है यहाँ पे, है ना। बट क्या ये आप रेगुलर करते हो? ये तो कोई साल में, 2 साल, 5 साल में एक ट्रांजेक्शन हो गया, यानी कि आपके इस चीज में रेगुलरिटी तो कहीं है ही नहीं, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस। ओके, तो रेगुलरिटी जहाँ पे होती है उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। ये आप सब पढ़ लेना क्योंकि इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे लिखना है और क्या क्या वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं। फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव। शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होता है जिसमें हमारा मोटिव पैसा कमाना है, और बिजनेस क्या होता है वो ऑक्यूपेशन जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। तो प्रॉफिट तो हर जगह है ही, तो ये सबसे एसेंशियल फीचर है कि भाई प्रॉफिट मोटिव होना आपका जरूरी है। इसमें देखो एक चीज नोट करने वाली है कि इन केस अगर हमें लॉस हो जाता है एक्चुअल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस नहीं है। यू नीड टू ओनली सी व्हाट इज योर मोटिव। कोई भी बिजनेस शुरू करता है वो ये सोच के थोड़ी शुरू करता है कि मुझे लॉस इनकर करना है या मेरा लॉस होगा, नहीं ना। वो उसका मोटिव होता है कि मुझे बिजनेस को ग्रो करना है और मुझे प्रॉफिट कमाना है। बट कुछ हैपनिंग की वजह से उसको अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मोटिव लॉस का था। डिड यू गेट माय पॉइंट? स्टिल इट इज अ बिजनेस, ये बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय अ डिजायर टू अर्न, यानी कि आपका ना मोटिव होना चाहिए डिजायर टू अर्न प्रॉफिट वट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखो रिजल्ट यानी कि एक्चुअल में आपको लॉस भी हो सकता है, एक्चुअल में आप लॉस इनकर भी कर सकते हो बिजनेस में, क्योंकि अभी हम ना अपकमिंग पार्ट्स में इसी चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज बिजनेस रिस्क, क्योंकि ना बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब बिजनेस चलाना आप जब इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा क्या क्या रिस्क इसमें होते हैं, तो लॉस होना भी पॉसिबल है। ओके, सो वी विल ओनली सी प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। लो अभी हम बात ही कर रहे थे ना बिजनेस रिस्क की। देखो रिस्क होता है, अब आप बोलोगे रिस्क क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई आइडिया पिकअप किया कि मैं पर्टिकुलर ये आइडिया को लेके अपना बिजनेस स्टार्टअप करूंगा, एंड यू आर मच श्योर कि आइडिया बहुत जबरदस्त है, पूरी मार्केट में छा जाओगे, बट स्टिल देयर इज अनसर्टेनिटी। आप ये बोल सकते हो ठीक है इसकी सेल होगी, आप ये बता दोगे एक दिन में कितनी सेल होगी, हाँ आप बता दोगे नेक्स्ट वीक में आपकी कितनी सेल होगी, कहीं ना कहीं तो अनसर्टेनिटी है ही, है ना। अनसर्टेनिटी मतलब ही रिस्क है। दूसरा क्या हो सकता है, आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, फॉर एग्जाम्पल वीवो ओप्पो है, ठीक है, वो कोई रिसर्च कर रहा था एंड दे ब्रॉट अ टेक्नोलॉजी। अब साथ में मान लो ये वन प्लस वाले भी रिसर्च कर रहे थे एंड दे ब्रॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी जो उससे बेटर है, वीवो ओप्पो वाले से बेटर है, एंड वो मार्केट में आ गई। जैसे ही वो मार्केट में आया पिछला क्या हो गया, ठप हो गया ना अपना सेल। अब सबको क्या पसंद आएगा कि भाई वो टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो वाली यूज करते हैं। अब जितने न्यू बायर्स होंगे, जितने ओल्ड होंगे, उसको सेल करके वो परचेज कर लेंगे, है ना। तो अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क तो बहुत है। ये तो हो गया टेक्नोलॉजी रिस्क। दूसरा गवर्नमेंट भी पॉलिसीज चेंज कर देती है। नेचुरल रिस्क होता है, कभी फ्लड आ जाते हैं, कभी वैसे नुकसान हो जाता है। हमारी शॉप खुली है उसमें गलती से आग लग गई है, आग, कितने केसेस हम फायर के केसेस सुनते हैं, वहां पे भी रिस्क है, आप किसको क्या पता कब आग लग जाए, है ना। सो ये जो लाइंस में लिखी है मैंने, बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेड ऑफ रोजेस। हल्के में मत लेना बिजनेस को, बिजनेस में बहुत रिस्क है। इट मींस दैट देयर आर प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में, एंड दिस कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस, और इसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। आपकी दुकान में आग लगी एंड अब आपका लॉस हो गया, तो रिस्क है ना, लॉस हो सकता है। हेंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस लाइक द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख आते रहते हैं, सेम जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ चलते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको उस बिजनेस में उम्र भर, पिछले 5 साल, अगले 5 साल, पूरी उम्र आपको प्रॉफिट होने वाले, नहीं। यू कैन नॉट से दिस बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपको लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो जब मैंने बोला था, अब पहले हम पढ़ लेते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द amount of money that the business is going to earn in the given period। अब आप एक बात बताओ, अब आप जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, मैंने अभी बोला था जैसे एग्जाम्पल लिया, तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छा आपका बिजनेस जाने वाला है, योर आइडिया इज टोटली डिफरेंट, बट स्टिल यू कैन नॉट एस्टिमेट कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, यू कैन नॉट एस्टिमेट आपकी सेल्स कितनी होगी। आप ये हिसाब नहीं लगा सकते कि आज इतने कस्टमर्स आएंगे, आज इतना सेल होगा, उसका अमाउंट आप फिक्स नहीं कर सकते। दैट इज अनसर्टेन। यही पॉइंट इसने बोला है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, दैट लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू दैट अमाउंट ऑफ मनी, बिजनेस कितना अर्न करेगा एक गिवन पीरियड में आपको नहीं पता। नेक्स्ट, जैसे आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कमिंग 1 ईयर में वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। यू कैन नॉट गिव मी अ फिगर कि हाँ मेरे बिजनेस से मैम 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा फिर अगले 1 साल में। यू कैन नॉट कमिट मी एनीथिंग ना, आपको नहीं पता। अब मुझे ये नहीं बोल सकते मैम कल ना मेरी 10,000 की सेल आएगी, नहीं कर सकते ना। लास्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये जरूरी है। देखो बिजनेस 2 चीजों का होता है, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं, जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना, इसको छू सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माइक, आई कैन टच इट, यू नो, दिस इज द फोन, दिस इज अ गुड। बट देखो मैं आपको जो टीचिंग कर रही हूँ दैट इज अ सर्विस। जो मेरे वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ एंड आपको माइंड में क्लिक हो रहा है दैट आई एम टीचिंग, दैट इज माई सर्विस। अगर मैं सीए की बात करूँ, सीए भी क्या करता है, अपनी नॉलेज एंड स्किल को लगा के सर्विस देता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हो, आप उसे अपने सिम्टम्स बताते हो, फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है लाइफस्टाइल क्या पिक करना है, दैट इज हिज सर्विस। ओके, तो गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, दोनों का बिजनेस हो सकता है। सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, अब इन 2 चीजों में फर्क क्या है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है यू आर टेकिंग रॉ मटेरियल, फिर आप उस पर एक प्रोसेस करते हो और प्रोसेस करने के बाद आप उसको सेल कर देते हो या फिर फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है, एंड देन उसको सेल कर देते हो, दैट इज प्रोडक्शन। नाम से आपको समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर केन से शुगर बनाया, यानी कि हम जो गन्ने थे उससे हमने चीनी को बनाया, तो उससे प्रोसेस किया एंड देन वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई और जो शुगर थी दैट इज चीनी, उसको हमने सेल कर दिया। अब प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ना ये समझ लो जो परचेज है उसका अनदर वर्ड है, सिनोनिम्स बोलते हैं ना। प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोक्योर करना, परचेज करना, यानी कि 2 तरीके हैं, या तो आप खुद बनाओ, खुद मैन्युफैक्चर करो एंड देन सेल करो, या फिर आप क्या करो, परचेज करो, लो प्राइस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो एंड देन आगे सेल कर दो। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। सो इसमें हम पढ़ लेते हैं, ये सब आप जरूर पढ़ लेना। ये मैंने डिटेल नोट इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको हेल्प मिले, आपको फिर से बुक्स में जंप ना करना पड़े। मैंने इतने सफिशियंट नोट्स इसलिए बनाए हैं कि आप बुक्स में वापस ना जाओ, जिससे आप इस लेक्चर को देख के अगर अपना सिलेबस पढ़ रहे हो तो आप इन्हीं नोट्स को रेफर करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और बिना कुछ मिस किए। ओके, सो बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दिस मस्ट बी, या तो वो प्रोड्यूस होंगे या फिर प्रोक्योर होंगे बाय बिजनेस, ठीक है। सर्विसेज का मैंने मतलब बताया था, सर्विस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस, बैंक हमें सर्विस देता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ सर्विस। ओके, गॉट इट। सो अभी हमने पढ़ा, इस अभी तक जो हमने पढ़ा बिजनेस का मीनिंग पढ़ा, देन उसके बाद अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहले पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी सेल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है बिजनेस में, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है, एंड जो गुड्स होते हैं या तो प्रोड्यूस होते हैं या फिर प्रोक्योर होते हैं। दिस पॉइंट्स आर कवर्ड। नेक्स्ट जो हम चीज कवर करने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी हम कह रहे थे कि बिजनेस क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना, यस, सबसे पहला पॉइंट ही वही है। बट देखो अब बात को आप ये समझो कि जब पुराना टाइम था वहां पे चलता था कि भाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस से जैसे तैसे बस प्रॉफिट आना चाहिए, पैसा अपने पास आना चाहिए। आज का जो टाइम है, अगर आपको ग्रो करना है और लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहना है, तो आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करके या प्रॉफिट को अपना सोल ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चल सकते। आपको काफी सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी आप लॉन्ग रन में सक्सीड कर सकते हो, लॉन्ग रन में मार्केट में स्टेबल रह सकते हो। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलोगे मैंने लास्ट में लाइन लिखी है वो हम पढ़ेंगे, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। आपको अगर ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म में चलना है मार्केट में, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में होंगे एंड इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले यस अर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये हम प्राइमरी बोल सकते हैं, बट हम इसे इकलौता नहीं बोल सकते कि सिर्फ इकलौता यही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट यस प्रायोरिटी भी हो सकता है। So one of the objective of business is to earn profit on the capital employed. Capital employed क्या होता है, ये वर्ड आपको नया नया लग रहा होगा। देखो, मैं जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी जो इनिशियल कैपिटल भी आपको नया वर्ड लग रहा होगा, जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करती हूँ दैट इज माई कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई शॉप खोलनी थी कपड़ों की, ठीक है, मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए, जो 1 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है दैट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये आप अकाउंटेंसी में और डिटेल में पढ़ोगे। So every business must earn a reasonable profit, which is so important for its survival and growth. अब देखो, प्रॉफिट कमाना तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है। अब आप कहोगे रीजनेबल प्रॉफिट क्या होता है? अब आप एक बात सोचो, मैं 1 महीने से उस कपड़ों की दुकान पे बैठी हूँ, है ना, और मैंने 1 महीने में सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट कमाया है, मतलब रीजनेबल नहीं है ना वो। उसमें खर्चा कैसे निकलेगा आप खुद बताओ। मुझे उस शॉप का रेंट भी देना है, मुझे स्टॉक भी लेके आना है, मुझे अपना कुछ पर्सनल भी निकालना है, मैं भी वहां पे बैठी हूँ, मेरी भी तो सैलरी लग रही है, मैं अगर किसी और को भी रख रही हूँ तो उसको भी तो सैलरी पे करना है, मैं कुछ अगर बचाऊंगी नहीं तो मैं उसे दूंगी कैसे, यानी कि ये बिजनेस मेरे लिए ठीक नहीं है। तो यानी कि एक रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, वो क्यों जरूरी है, ताकि आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाए मार्केट में एंड ग्रो भी कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन बहुत जरूरी है। देखो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, जैसे इतने सारे नए नए अपडेट्स आते हैं फोन में, मोबाइल इंडस्ट्री को आप ले लो, कैसे नए नए उनकी एक अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी टीम अलग से काम कर रही होती है एंड उन सबका एक ही कॉम्पिटिशन होता है कि जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को ले आए, जो जिसके सबसे जितनी ज़्यादा फास्ट रिसर्च होगी और बेस्ट होगी वो मार्केट में आगे निकल जाता है। अब जैसे नोकिया था, स्टार्टिंग में जब एंड्रॉयड फोन नहीं आए थे, नोकिया का मार्केट कुछ अलग ही था ना, हमारे घर में भी नोकिया था छोटा सा, बट विद द टाइम जैसे एंड्रॉयड्स आए, फिर सैमसंग का भी वैसे छोटा फोन आता था, बट उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया चेंज के साथ, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, एंड्रॉयड फोन निकाले और फीचर्स ऐड ऑन करते करते आज भी वो चल रहा है सैमसंग। बट अगर आप नोकिया को देखोगे, नोकिया तो भैया वही रुक ही गया है, अच्छे से एंड्रॉयड फोन भी नहीं दे पाया। या आप देख सकते हो कि मार्केट में कितने यूजर है नोकिया के, बहुत रेयर आपको मिलेंगे, यानी कि वो इनोवेशन ही नहीं कर पाए, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके साथ उसको वो ग्रो नहीं कर पाया। अब देखो एक वर्ड, एक फ्रेज आप समझ लो, ओनली चेंज इज द कॉन्स्टेंट। इसका मतलब लाइफ में सिर्फ चेंज कॉन्स्टेंट होता है और कुछ कांस्टेंट नहीं होता। आपको हो गया कि बस मैं ऐसे ही रहूं पूरी जिंदगी, ऐसे ही चलता रहे तो नहीं चलेगा, चेंज आता रहेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए बढ़ोगे तो आप भी हमेशा आगे रहोगे। सेम विद द बिजनेस, जब आप बिजनेस करते हो ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया तो आप ये नहीं सोच सकते कि पूरी उम्र वो प्रोडक्ट ऐसे ही चलने वाला है, उसमें आप कोई नया फीचर ऐड नहीं कर रहे, नया कलर ऐड नहीं कर रहे, नया डिजाइन ही हम उसमें लेके आ रहे। तो कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बिजनेस में हमें नए नए इनोवेशंस को लेके आना है। हमें कभी हम डिजाइन चेंज कर रहे हैं, हमें कस्टमर से कंप्लेंट आई कि सर ये ना यूज में अच्छा नहीं है, इसमें ये दिक्कत आती है, उस पर आप वर्क करके उसको ठीक करके कुछ नया लेके आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तभी आप मार्केट में चल पाएंगे, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई और उस प्रॉब्लम को समझेगा और उसके लिए एक अल्टरनेटिव वो लेके आएगा एंड जो लेके आएगा वो आगे चल जाएगा, है ना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इनोवेशन इज सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, बिल्कुल, मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड। जैसे हमने पहले बनाया उसमें नए आइडियाज को, आपको नए मेथड्स को, नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नए यूजर फ्रेंडली टेक्निक्स आप लेके आ रहे हो, दैट इज इनोवेशन। ये जो लाइन है ये सही में मतलब बिल्कुल सच है। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब आप समझ सकते हो ग्रो, in a competitive world without innovation, therefore innovation becomes an important objective। इसीलिए देखो अगर आपका ऑब्जेक्टिव इनोवेशन है ना तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, क्योंकि आप इनोवेशन पे ध्यान दोगे। तो अगर ध्यान दोगे तो आप मार्केट में ग्रो करोगे, एंड ग्रोथ मतलब यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स। एंड थर्ड इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उसके मार्केट में चार प्रोड्यूसर्स हैं, यानी चार लोग उसको बना के सेल करते हैं, ठीक है? ठीक है, आपका इनोवेशन भी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट आप कमा रहे हो, बट स्टिल यू नो जब हम एक लैडर चढ़ते हैं तो हमारा मन करता है, इंस्पिरेशन मिलता है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है ना। एक हम लेवल क्रॉस करते हैं, फिर मन करता है चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये लाइफ ऐसे ही चलती है, एक डिजायर हमारी खत्म होती है फिर हमारी दूसरी डिजायर सामने आ जाती है। सेम विद द बिजनेसमैन, जब वो सब कुछ कर रहा है तो उसके माइंड में क्या आएगा? बिल्कुल यार कि यार मुझे कुछ यूनिक ऐसा करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है मुझे, सो दैट मेरे अलग ही पहचान हो, है ना। दैट इज कॉल्ड मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि मार्केट में आपकी अलग पहचान बन रही है। जैसे आप टॉप 3 में आ रहे हो, टॉप 4 में आ रहे हो, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। सो अ बिजनेस enterprise must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive products at reasonable price। ये तभी हो पाएगा आप competitive products को, ठीक है, किस पे दोगे? reasonable price में, तभी आप आगे निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकल पाओगे। टू इट कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फेक्शन। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ प्रॉफिट दिमाग में लेके नहीं चल पाएगा। जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं करोगे, तब तक आप लॉन्ग रन में एस्टेब्लिश नहीं रह पाओगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आपने ये ना लाइन जरूर सुनी होगी, दैट कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। दिस इज अ ट्रू लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप से कुछ भी बोले जा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आज नहीं तो कल आप सब लोग मेरी वीडियोस देखना छोड़ दोगे, है ना। आप कुछ और अल्टरनेटिव सर्च करोगे, किसी और वीडियो को सर्च करोगे जिससे आपको हेल्प मिल पाए, जो आपकी नीड्स को पूरा कर पाए। अब मैं बीइंग अ टीचर मेरा भी यही होगा ना कि मैं आपको टू द बेस्ट लेवल अच्छे से पढ़ के आपको पढ़ाऊं, एंड जो भी आप क्वेरीज पोस्ट कर दो कमेंट में उनको मैं रिप्लाई करूँ, वैलिड क्वेरीज को, तो तभी मैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आई कुड नॉट बी यू नो, मैं मार्केट में चल ही नहीं पाऊंगी। आप तभी मेरी वीडियोस देखोगे जब मैं आपकी नीड्स को पूरा कर रही हूँ। दैट गोज इन द मार्केट, दैट गोज इन द बिजनेस। फोर्थ वन इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपको मिनिमम इनपुट को लगा के क्या करना है? मैक्सिमम आउटपुट बनाना है, आउटपुट जनरेट करना है। दैट इज प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज को आपको लगा के बिजनेस में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। अगर देखो आप सिंपल सी बात बताओ, कॉस्ट जब आप कम करोगे तभी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपकी कॉस्ट अगर बढ़ती जा रही है बिजनेस की, आपकी वेस्टेज ज्यादा होती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। अब खुद बताओ, सेल का जो प्राइस है हमारा मार्केट में, तुम अकेले तो बेच नहीं रहे हो, 4 लोग और बेच रहे हैं, 10 लोग और बेच रहे हैं। अब जब मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 40 रुपीज पे बेचा जाता है तो आप ये तो नहीं बोल सकते अरे भैया मेरी तो कॉस्ट बढ़ रही है, मैं तो 50 में लूंगा। आप कर लो, कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। जिसको वो चीज 40 का मिलेगा भैया वो तो वहां से लेगा ना, वो आपकी दुकान छोड़ देगा अगर आप रेट बढ़ा दोगे। तो वट यू कैन डू विद योर सेल्फ इज, आप कॉस्ट को कम ज्यादा आपके हाथ में है। आप उस चीज को स्टडी कीजिए, कहाँ पे मेरा वेस्टेज हो रहा है, मैं उसको कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। मशीन्स रिप्लेस करनी पड़ेगी, मेरी मशीन आउटडेटेड है, कोई नई टेक्नोलॉजी से मेरी मशीन, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों से मेरा वेस्टेज बहुत कम हो सकता है, यानी ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। So productivity is ascertained by comparing the value of output with the value of input. यानी कि आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है विद द मिनिमम इनपुट. कम इनपुट्स का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट आपको बनाना है. सो इट इज यूज्ड टू मेजर एफिशिएंसी, कि आप कितने एफिशिएंट हो. दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources. यानी कि एक बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज में क्या आएगा, जो भी वो इनपुट्स परचेज करके लाता है, जितना भी पैसा उसके पास रखा है, उसको उसे बेस्ट यूज करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तभी वो बिजनेस में लॉन्ग सर्वाइवल कर पाएगा. शॉर्ट टाइम के लिए चल जाएगा बट फॉर द टाइम लॉन्ग टर्म वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी, वेस्टेड हो, उसको समझ नहीं आएगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा. एंड द डे विल कम जब वो अपना बिजनेस को क्लोज कर देगा, क्योंकि उसको लॉसेस होने लग जाएंगे, है ना. सो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग रन में चलना है ना, तो दैट प्रोडक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बता रही थी कि बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना. दैट्स श्योर. अब बिजनेस जितना भी चीजें लेता है, इनपुट्स ले रहा है, जो भी है वो सोसाइटी उसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. उसको लेबर चाहिए, काम करने के लिए बंदे चाहिए, वो कहाँ से ला रहा है, सोसाइटी से ला रहा है, ठीक है. सेल किसको कर रहा है, सोसाइटी को कर रहा है. पैसे किससे ले रहा है, सोसाइटी से ले रहा है, ठीक है. बैंक उसे लोन उठाना था, उसने अपने रिलेटिव्स, वो सोसाइटी का पार्ट है, उसने या फिर लोन उठाया बैंक से. अब बैंक के पास किसका पैसा है यार, सोसाइटी का ही तो है. बैंक क्या करता है, बैंक इधर से पैसे लेता है सोसाइटी से, जिनके डिपॉजिट्स है, और आगे उसको लोन पे दे देता है. जो बीच में इंटरेस्ट बचता है वो उसकी इनकम होती है बैंक की. तो यानी कि आप यार बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, सारे के सारे रिसोर्सेज आपके आप बिजनेस से यूज कर रहे हो ना, अपने सोसाइटी से यूज कर रहे हो, सॉरी सोसाइटी से आप सारे बिजनेस अपने रिसोर्सेज को लेके आ रहे हो. एंड आप सोसाइटी के लिए फिर कुछ ना करो, आप पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी से जब आप इतने सारे रिसोर्सेज ले रहे हो तो सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन है, आपको भी अपने प्रॉफिट में से सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है. आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है. Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. मैं आपको बताती हूँ, ये तो पहले तो था kind of voluntary, कि तुम्हारी मर्जी है. आज के टाइम में ये चीज हो चुकी है mandatory. देखो जितने भी businesses अच्छा perform कर रहे हैं उनके ऊपर CSR करके लगता है. CSR एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जो एप्लीकेबल होती है, जो बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, इसके लिमिट्स है कि भाई इस लेवल प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो तो आप कवर्ड हो इस चीज में, एंड आपको क्या करना पड़ेगा. अब CSR क्या होता है? CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इसमें ना गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितने भी जो अच्छे बिजनेस है, जो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनपे गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन लगाती है. मैंडेटरी प्रोविजन बनाया है कि आपको मैंडेटरी जितना भी आप साल में प्रॉफिट कमा रहे हो उसका 2% एक परसेंटेज फिक्स किया है कि मिनिमम आपको इतना सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा. कैसे? आप फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्री सोसाइटी में बांट रहे हो, प्लांटेशंस लगा रहे हो, है ना, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप जैसे भी आपको करना है, बट आपको सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, वो 2% आपको खर्च करना पड़ेगा मिनिमम. तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है. अभी ऑब्जेक्टिव्स को फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एंड आज का लेक्चर फिर हम खत्म करेंगे. सो फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट, दैट आई नो. इनोवेशन. थर्ड इज मार्केट स्टैंडिंग. फोर्थ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मतलब मैक्सिमम आउटपुट यू नीड टू गेट फ्रॉम योर मिनिमम इनपुट्स. एंड द लास्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव. मैंने आपको फॉर द एग्जाम और एक जितना जरूरत है उतना मैंने आपको कराया है. देखो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नोट में, प्रॉफिट इज फाउंड टू बी अ लीडिंग ऑब्जेक्टिव. यस, प्रायोरिटी पे ऑब्जेक्टिव है, लीड यही करता है अल्टीमेटली। देखो प्रॉफिट ही कमाना है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए, अब आप खुद देखो 1 by 1 जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए, इन सब ऑब्जेक्टिव से आपका प्रॉफिट ही बढ़ने वाला है। इनोवेशंस पे ध्यान दोगे है ना, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केट में टॉप 3rd, टॉप 2, टॉप 1 बनोगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी अपने बिजनेस में दोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करोगे, सोसाइटी ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जो प्रॉफिट है ना, ये तो लीडिंग ऑब्जेक्टिव है ही, बट नॉट द ओनली वन। बट सिर्फ आप इसके लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिमाग में लेके चलोगे, you will be out of the market in the long run. This is the nowadays business ऐसे ही चलता है, okay? So all the best for your studies. आप अच्छे से पढ़िए। आपको इस भी किसी भी लेक्चर में ना कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो जितने भी आप वॉच कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमें भी मोटिवेशन करता था कि हम नई वीडियोज को बनाएं। सो थैंक यू सो मच, thank you once again.